Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. कार्यक्रम ही खेत में हो रहा है साथियों, आप नंदीग्राम में किसान और मजदूर नौजवान यहाँ पर भारी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अडानी, अंबानी, WTO और विदेशी ताकतों के लिए तीन काले कानूनों के माध्यम से हिंदुस्तान का रास्ता खोला है और यह रास्ता उसी रास्ते पर जाता है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में 190 साल राज किया था। इसलिए उस बार आजादी लाने की लड़ाई थी, इस बार आजादी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं देश के संयुक्त किसान मोर्चा। दूसरी बात कहना चाहता हूं, एक तरफ देश को बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ देश को बचाने वाले लोग हैं। पंगाल को तय करना है कि वो किसके साथ खड़ा होगा। हम यहाँ किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए, लेकिन अगर हम राजनीति में हस्तक्षेप न करें तो आज किसान का सवाल खेत खलिहानों से पिछाड़ कर उसके गांव में पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए हम तत्कालिक राजनीति करने नहीं आए हैं, हम दीर्घकालिक राजनीति का एजेंडा सेट करने आए हैं जिसमें किसान का मुद्दा बीच में होगा, यह बात हम कहने आए हैं। इसलिए गाँव में जो आएगा वो महंगा और गाँव से जो जाएगा ये सस्ता, जब तक चलता रहेगा किसान की लूट होती रहेगी। इसलिए MSP की गारंटी के कानून की मांग देश के किसान संगठन कर रहे हैं और उस मांग को हम आपके बीच में लेकर आए हैं कि उससे फायदा बंगाल के किसानों को होगा, उससे फायदा पर बिहार को होगा। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उसको फायदा उससे होगा। उड़ीसा में हमारी पंचायत 19 तारीख को हो रही है, वहां पे उससे फायदा होगा। साथियों, नरेंद्र मोदी जी बनारस में वहां से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, उसी क्षेत्र से लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। उन्होंने अमेरिका के सामने, जब अमेरिका ने धमकी दी थी तो उसके सामने देखने से मना कर दिया था, और मोदी जी अडानी अंबानी के लिए हिंदुस्तान के किसानों का खेत खोलना चाहते हैं तो यह हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। भले लड़ाई पंजाब के पास, हरियाणा के पास, दिल्ली में हो रही है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की धरती है, सुभाष चंद्र बोस, श्री अरविंदो, विवेकानंद स्वामी की धरती है। पूरा देश एक है, पहले भी एक होकर आजादी की लड़ाई लड़े थे, आज भी एक होकर आजादी बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। आपसे एक बात कहना चाहता हूं और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि कोई शौक नहीं था हमें यहाँ आकर BJP का विरोध करने का। अगर वो मान जाते तो बॉर्डरों से हमारे किसान घर को जाते, बंगाल आने की जरूरत नहीं थी। आज भी नहीं मानेंगे तो देश में हर जगह पंचायतें करेंगे, हर कोने में किसानों को जोड़ेंगे और आने वाले समय में लोकतंत्र में अगर संगठित जनमत को जो नहीं मानेगा, शिवाजी के जो गुरु थे रामदास जी, उन्होंने शिवाजी को कहा था कि देखो जनता अकाल में त्रस्त है, जाकर देखो, थोड़ा भिक्षा दे दो, पैसा खोलो। उनको ये बात समझ में आई थी, उन्होंने गांव में गए और देखा अकाल पड़ा है, भंडारा खोल दिया, अन्न का और धन का राजा थे, योग्य गुरु के योग्य शिष्य थे, इसलिए सही कदम लिया। अमित शाह जी चाणक्य की बात करते हैं और चाणक्य ने जब नंद ने देश की जनता के हक में फैसला नहीं किया तो उसको उखाड़ कर चंद्रगुप्त को बैठाया था। यह देश फकीरों का है या देश साधु सज्जनों का है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन राजनीति से हम दूर बैठकर किसानों का भला होने से रोक नहीं सकते। अगर दूर है तो यही होगा कि इतने दिनों तक आने वाले समय में भी मोदी जी किसानों की तरफ तो देखने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, वो चुनावी राजनीति को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति को समझती है, इसलिए उनको हराइए, किसानों का साथ दीजिए और हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय किसान, जिंदाबाद। धन्यवाद हिमांशु तिवारी जी का। अब मैं किसानी आंदोलन के स्लोगन के साथ चौधरी राकेश टिकैत जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा, वो अपनी बात विस्तृत तौर से आपके समक्ष रखेंगे। किसान आंदोलन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जी। धन्यवाद सभी किसानों, मंच पर बैठे हुए सभी मेरे नेतागण, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मेरी माताएं बहने,
110 दिन के आसपास हो गए कि दिल्ली के चारों तरफ करीब 5 लाख से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। सुन लो बात, सुन लो भाई, काम की बात सुन लो। आपके आपकी उसमें बात होगी, इनको प्रेस वालों को अपना काम करने दो, आप बैठे रहो, सब आवाज आएगी वहीं। क्या खेल होने वाला है देश में, खेला हो या खेला, क्या खेला हो वो देखना है, वो बताएंगे हम बंगाली भाषा में ही बताएंगे। जब भारत सरकार 5 लाख से ज्यादा लोगों से नहीं डर रही, जो दिल्ली के चारों तरफ डेरा डालने बैठे हैं, जिसने पक्के मकान सड़कों के ऊपर बना दिए, तो आपका क्या खेल करेगी सरकार वो हम बताते हैं। क्या होगा बंगाल के साथ में, वे एक मुट्ठी चावल मांगते हैं आपसे। आप उनसे भाव की बात करो कि 1850 रुपए जो भारत सरकार का भाव है वो कब मिलेगा हमारे, जिस खेत में हम बैठे हैं ये चावल का खेत है, इसका रेट है 1850 रुपए, 18.50 रुपए किलो, ये सरकारी रेट है। जब आपसे वोट मांग रहे हैं तो वो जरूर मांग लेना उनसे। इसी के लिए बैठे हुए हैं दिल्ली में कि एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे देश में कानून बने। अगर वो बंगाल का किसान है, आसाम का किसान है, वो कर्नाटक का किसान है, उसका धान भी उसके कम रेट पे ना खरीदा जाए, उसकी जो दूसरी फसलें हैं वो भी कम रेट पे ना खरीदा जाए। अभी आपके साथ में क्या होगा जो उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में हुआ है, वो हुआ है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप नहीं चला सकते, 10 साल पुराना पंपिंग सेट आप नहीं चला सकते। आपके यहां 15 साल का होगा भी, 15 साल में जो भी डीजल से चलने वाला सिस्टम है आपका, वो आपके यहां पे बंद है। और कर्नाटक, तमिलनाडु, जितने भी ये बड़े बड़े स्टेट है, कलकत्ता, इसके भी चारों तरफ NCR लागू होगा एक किस्म से, जो एक मिनट सुन लो भाई, इसके आसपास भी जैसे NCR में है, इसके आसपास भी NGT और वेट अरे आजाद हो रहा, रुक जाओ, यंसा बोलते हैं ठीक ठीक जगह, इन्हें क्यों तंग करो, रुक जाओ 3 मिनट, रुक जाओ 3 मिनट हो जाएगी, रुक। घर के घर में ही ये पूरे बंगाल में है, ये बंद
ऐसे ही यहाँ पे भी ये कंपनियां काम करेंगी। क्या किसान जिंदा रह सकता है? ये बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले देश को करा जा रहा है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वो बात कर लेती, ये पार्टियों की सरकार नहीं, इस सरकार को कंपनी चलाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकारों को चलाने का काम कर रही है। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही है, अडानी जैसी कंपनी आ रही है, जिसके हाथ में पूरे के पूरे विभाग बेच दिए, टेलीकॉम बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बिके, रेलवे बिक्री है। अब अगला काम किसानों का है, किसानों का। पिछले 100 दिन से किसान बैठे हुए हैं, देश का किसान कई लाख आदमी बैठे हुए हैं, 300 के आसपास लोग हमारे शहीद हो गए हैं, उसके बाद में भी सरकार बात करने को भी अभी तैयार नहीं है। यह आंदोलन पूरे देश में खड़े करने पड़ेंगे, यह आंदोलन डिस्ट्रिक्ट वाइज खड़े करने पड़ेंगे, आपको बैरिकेडिंग और बैरियर तोड़ने पड़ेंगे, बड़े आंदोलन होंगे। यह आंदोलनकारियों की धरती है, आपको आंदोलन लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई बात की होगी, पहले यह है कि यहाँ पे इलेक्शन है, जब यहाँ आए तो प्रेस के लोग और सब लोग इलेक्शन की बात जरूर करेंगे। हमारे संयुक्त मोर्चे ने तय करा है कि हम बंगाल में जाएंगे, बंगाल के लोगों से अपील करेंगे कि आप दिल्ली आकर आंदोलन नहीं कर सकते, आपके वहां पे इलेक्शन है, आप बीजेपी को हराने का काम करो, आप उसको वोट मत दो, उसको हराने का काम करना। वोट आपको किसको देनी है वो अपने आप तय कर लेना। जो भी आपको मजबूत कैंडिडेट लगता हो, बीजेपी को हरा सकता हो, आप उसको वोट देना। जो ये भगोड़े लोग हैं ना, जो अभी तक यहाँ पे मंत्री थे और फिर छोड़कर भागे, उनके सामने चला जा रहा है। एक महिला यहाँ पे लड़ाई लड़ रही पूरे भारत सरकार से, एक्सीडेंट करवा दिया, उसको हॉस्पिटल में डलवा दिया। आप देख लेना किसको आपको देना है वो। हम तो संघर्ष वहां पर करते रहेंगे। हमने कहा कि जब तक 3 मील वापसी नहीं होंगे, किसान घर वापसी नहीं जाएगा। जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, किसान घर वापसी नहीं करेगा। MSP पे अगर कानून बनेगा तो यहां से भी चावल पैदा करने वाले किसान को, या कोई व्यापारी खरीद करेगा आपके गांव से, तो उसकी रसीद आपको देगा पक्की 1850 रुपए से कम पे वो खरीद नहीं कर सकता। ये कानून बनेगा। हमने कहा कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, जो 23 किसानों का फसलें जो उगाता है किसान, जिसकी MSP तय है, उन किसानों को उस डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दिया जाए। किसान ना फसल बेची, जब तक वो अपने घर पर जाए अकाउंट में उसके पैसा पहुंच जाए। किसान को उससे नहीं जोड़ोगे, किसान की फसलों को लुटाई करोगे। 700 रुपए से लगा के और या 1000 रुपए क्विंटल तक उसकी फसलों को खरीदोगे, और जब चावल वो खरीदने जाएगा तो 40, 50 और 60 और 70 रुपया किलो उसको मिलेगा। इससे कंज्यूमर भी मरा और इससे किसान भी मरा। जो वेजिटेबल्स हैं, जो फल, जो सब्जियां हैं, उसके भी दाम तय होने चाहिए। यह आंदोलन चल रहा है, जब भी भारत सरकार से बातचीत होगी, ये आंदोलन में ये भी एक प्रायोरिटी पर रखा जाएगा कि जो फसलें हैं, वो सब्जी की फसलें हो, वो दूध की फसलें हो, इनके भी रेट देश में तय हो। अभी एक नया व्यापार शुरू हुआ है यहाँ पे, वो व्यापार है भूख का व्यापार। जो हमारी माताएं बहने बैठी है, सोना पहनती थी, तो एक सर्वे हो गया, ये सोने का इस्तेमाल 1 साल में 17 बार करती हैं। जो तीज त्योहार है, जो ईद दिवाली होगी, होली होगी, जो दुर्गा पूजा होंगे, उस टाइम पे उस सोने का इस्तेमाल ये महिलाएं करती हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं, अब व्यापार होगा, भूख के ऊपर व्यापार होगा, अनाज तिजोरियों में बंद होंगे,
रोटी तिजोरी में बंद होगी, अनाज के गोदामों में व्यापारियों का ताला नहीं लगेगा। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होंगे। इनको खत्म करना पड़ेगा सरकार को। ये तीन बिल नहीं है, दूध के ऊपर बिल आ रहा है। अभी अगर कोई आदमी बिजली के थाने हैं यहाँ पे, दूसरे थाने हैं यहाँ पे, बीच के भी थाने देश में खुलेंगे। अगर किसी के पास में पंपिंग सेट है और वो 10 से 15 साल पुराना है, वो तोड़े जाएंगे, उस पर जुर्माना नहीं होगा। अगर ट्रैक्टर या कोई भी इक्विपमेंट खेत में या कहीं में भी चलने वाला है, वे तोड़े जाएंगे, वे स्क्रैप में बिकेंगे। तो ये सारे कानून आ रहे हैं। अगर देश का किसान अब की बात 4 लाख कर्मचारी हट जाएंगे कि बहन जी मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इस मैदान में, उस बस स्टैंड पर, उस सोना चुका में, जहाँ भी हम इकट्ठे होते थे, बहने और भाई मिलकर इकट्ठे होते हैं, लेकिन इन्होंने जो कोरोना के काल में भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार बढ़ रहे हैं, हाथरस में जाकर मैंने देखा कैसा जातिवाद ये फैला रहे हैं, कैसा धर्म भेद ये फैला रहे हैं। अयोध्या में भी राम और रहीम एक रहते थे, हर कोई फूलों के झंडे की माल आती थी मुस्लिम कारीगरों से घर से खेत से, और राम नाम के गमछे वहां मुस्लिम कारीगर बुनते हैं। तो खेतिहर और कारीगर एक होते, हिंदू मुस्लिम एक थे, पर इन्होंने आग लगाने का काम किया। आज अगर नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी जी, आप अगर धर्म के नाम पर यहाँ के हिंदू मुसलमानों को भिड़ा देंगे, तो इस भूमि में शहर खोलने का आपका काम नंदीग्राम की जनता ना मंजूर करेगी। मैं एक ऐलान आपके पास पहुंचने वाली हूँ, एक दो लाइन दे दूंगी। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, चंगा है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। ईश्वर अल्लाह, नंदीग्राम के लोगों ने यह समझना चाहिए कि ये धर्म का नाम क्यों ले रहे हैं, ये हिसाब क्यों लगा रहे हैं, क्या हमारे बच्चों को भी ये धर्म के नाम पर लड़ाएंगे। दिल्ली के आंदोलन में इन्होंने हिंदू विरुद्ध सिख ये करने की कोशिश की थी 26 जनवरी के उस हिंसक कार्रवाई के द्वारा, जो उनकी कार्रवाई थी। हम तो अहिंसक थे, झूठे आरोप हम पर लगाए हैं, डकैती के, हिंसा की साजिश के, क्या हम लोग सब हत्यारे हैं। लेकिन ये इस प्रकार से बात करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे। आप ध्यान में रखना कि सुवेंदु अधिकारी ने जो दल बदल किया है उसकी पृष्ठभूमि आपको भी जाननी चाहिए, और कैलाश विजयवर्गीय की भी सच्चाई आपको जाननी चाहिए। सुवेंदु दा, आप तो हमारे साथ थे, आपको सीबीआई के नोटिस आने पर आपने तत्काल निर्णय बदल लिया। सुवेंदु दा, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और हमारे अमिताभ मित्र जी को पूछो कि 1 करोड़ ट्रांसपोर्ट के वर्कर्स आज नाराज क्यों है, क्योंकि अवैध रेत खनन की गाड़ियां 4 गुना बढ़ते थे। हम ये अवैध रेत खनन रोकने वाले, कानूनी लड़क जीतने वाले हैं, लेकिन वो वर्कर्स नाराज है, उन्होंने नाराज होना चाहिए सुवेंदु दा के साथ, आज की सरकार के साथ नहीं। तो ध्यान में रखना कि जो भी भ्रष्टाचार अत्याचार होता है उसकी आज देश में हद है। जब ये धर्म के नाम पर पीट पीट कर मार डालते हैं, जब महिलाओं पर बलात्कार के साथ हत्याएं हो रही है, तो ये हिंसक व्यक्ति हो या पार्टी हो, उसको देश में राज करने का कोई अधिकार नहीं है। और इसीलिए साथियों, मैं इतना ही कहूंगा कि आपने बच्चों को भी, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने देश के भविष्य को, ये रविंद्रनाथ टैगोर की, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ये विद्यासागर की भूमि को नहीं छूने दे,
नहीं तो आपकी भूमि तो जाएगी, पर आपके पांव में जो राष्ट्रीय एकात्मता और आजादी है वो भी छीनी जाएगी। आप लड़ेंगे, आप जीतेंगे, वो नहीं जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। जिंदाबाद। मैं आपके बच्चों के लिए एक ही, आप ध्यान में रखना कि आपको बच्चों को कैसे बड़े करना है, तो वो भी एक दो लाइन गीतों की सोचना। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये बच्चों को भी समझाना है, युवाओं को हाथ जोड़ कहलाना है कि मोदी यानी कॉर्पोरेट, मोदी यानी कंपनी, पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज भगाने में बंगाल की अगुवाई थी, बंगाल की ताकत थी। आज सभी कॉर्पोरेट्स को भगाने में आपकी ताकत लड़ेगी, जीतेगी। तो एक नारा देंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे कि हारेंगे, हमारी लड़ाई अलग है, चुनाव के बाद है। आपकी अभी की तत्काल की लड़ाई अहिंसक ही है,